तो भैया ये मशीन है 150+150 वाट की, सिंगल मॉसफेट, मतलब सिंगल चैनल मॉसफेट, 1943-5200, एक साइड यहाँ लगा है, एक साइड यहाँ लगा है, तो ये 150+150 पीक पावर निकालता है। एक चैनल 150, एक चैनल 150 हो गया 300 वाट, 18018। 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है जो कि डीसी होने के बाद लमसम वही 2400 2427 0 27 तक पहुंचा रहा है आराम से, 27 0 27 तक। और यहाँ पे एक MV कलेक्शन का क्रॉसओवर है, ये मेरे हाथ दरअसल होली हुई थी और दरअसल इंक गिर गई मेरे से ये पेंट करने में, तो हो जाता है। और यहाँ पे इनपुट दो हैं, इनपुट की वॉल्यूम दो है, लेकिन क्रॉसओवर जो है वो कॉमन है, साथ में ही चलेगा, बेस बेस साथ में चलेगी, मिड मिड और हाई हाई कॉमन सब साथ में चलेगी। इसकी टेस्टिंग भी जल्दी दिखा देंगे आपको। आउटपुट में RCA2 पोर्ट है, यहाँ पे पंखे लगना बाकी है, जो कि ये वाले पंखे लगेंगे, क्योंकि मॉसफेट जो है बेसिकली होता वो 1943-5200 ट्रांजिस्टर ही है, बट वो मॉसफेट बोलते इसलिए हैं क्योंकि वो दिखता मॉसफेट की तरह है। अब हमारे यहाँ उसको मॉसफेट बोला जाता है जबकि वो होता ट्रांजिस्टर है। तो ये पंखे हैं, ये 4 इंच का पंखे हैं, तो दो इस साइड, आई थिंक ऐसे भी लगा सकते हैं हम लोग ऐसे, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको यहाँ पे इसके अंदर ऐसे और ऐसे, ये भी अच्छे लगेंगे देखने में, तो इसके अंदर से भी लगा सकते हैं। ये जो बल्ब है ना, इसकी धजिया उड़ा दी इसने, इसकी इसने इस एम्पलीफायर ने एक चैनल पे इसकी धजिया उड़ा दी, इतना पीक पावर पे चल रहा है। तो इसकी कैपेसिटी आप सोच सकते हो, इसकी टेस्टिंग जल्दी करने वाले हैं, और हो सकता है हमारी सिंगल 18 सिंगल 15 के जो एम्पलीफायर स्पीकर्स हैं उनमें ही टेस्टिंग हो जाए। ये क्रॉसओवर भी रेडी हो चुका है अपना, ये CA12 भी बनने वाली है, और अभी BA भी बन चुकी है, तो बने रहना चैनल पे, उसकी वीडियो जल्दी आने वाली है।